I support the union budget presented by the Honourable Union Finance Minister. Union budget is the right choice at the right time. The priority of this budget is growth, and the growth oriented budget will create jobs, opportunities for the youth of this nation, and position India as the fastest growing among the major economies of the world. With this budget, the vision of Honorable Prime Ministers Athan Nibir Bharat and a digital superwall power will surely be achieved. One of the biggest takeaways of this budget is the increase of 35% to 7.5 lakh crore of capital expenditure, that is 2.9% of GDP, which is the highest in the last two decades. Ma'am, I am to that the Gati Shakti program जिसके साथ एंजन्स होंगे जिसके साथ के एक प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट के अंदर पेश की है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा रेल पोर्ट्स सी पोर्ट्स होंगे एयरपोर्ट्स होंगे हमारे वाटरवेज होंगे इंफ्रा और हमारा लॉजिस्टिकल हब होगा और मास आ, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की जो बात कही गई है इसमें जो साढ़े सात लाख करोड़ रुपए का कर निवेश होगा मैं समझता हूं कि आने वाले हिंदुस्तान की एक नई रीव रखने का काम किया जाएगा इससे जिस जॉब क्रिएशन के साथ साथ में एक देश के एक अलग इकोनॉमिकल ग्रोथ के रूप में देश आगे बढ़ेगा रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर पिछले सात सालों में इस देश के अंदर बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे मंत्री गडकरी साहब को देना चाहता हूं 2014 के अंदर जहां के अंदर देश में सिर्फ इक्यानवे हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे का एक नेटवर्क था वो आज बढ़कर एक लाख इकतालीस हज़ार इकतालीस हज़ार किलोमीटर से ऊपर बढ़ चुका है और इसके अंदर इस बार का जो तो टारगेट पच्चीस हज़ार किलोमीटर का रखा गया है वो मैं समझता हूँ कि इस साल में पूरा करेंगे तो वो एक तो हाइएस्ट पर डे करीब करीब 68 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो 2013 के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर का लगभग था मेरी ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे अनेकों दो नेशनल हाईवे पहले भी शेंशन हुए हैं पर बीते हुए कई साल से 2017 से एक राष्ट्रीय राजमार्ग सरसा से लेकर चूरू तक का डीपीआर पी हुई एक करोड़ चालीस लाख रुपए की जो बनकर तैयार हो चुकी है ये राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो क्षेत्र है जो मेरा लोकसभा क्षेत्र चूरू आता है जो राजस्थान के अंदर है और इसके अंदर ये ऐसा महत्वपूर्ण जो हम एक जो भारत का नॉर्थ टू साउथ की लाइन के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उम्मीद करता हूँ इस हाईवे के बनने से क्षेत्र में बड़ा विकास होगा और पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की कनेक्टिविटी डायरेक्ट साउथ इंडिया से होने का काम करेगी जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से भारत सरकार ने इस बार जो साठ हजार करोड़ का प्रावधान दिया है हर घर नल तक जल पहुँचाने का जो प्रोग्राम है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर चार लाख घरों को जोड़ने का प्रावधान है मैम और इसके अंदर जो भारत सरकार ने एक शॉर्ट फंड अलॉटमेंट किया राजस्थान को पर राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है बड़े बड़े बातें करते हैं और एक सोई सरकार के पास ग्यारह हजार करोड़ का एश्योर्ड फंड अवेलेबल है भारत सरकार के द्वारा पर बीते हुए साल के अंदर मात्र चार सौ पिचानवे करोड़ रुपए सेंक्शन करे हैं चूरू जिले के अंदर मैडम टेम्परेचर पचास डिग्री टच करता है गर्मी के अंदर और सर्दियों में माइनस वन तक टच कर जाते हैं ऐसे में पीने की पानी की महत्वता क्या है हम समझते हैं पर राजस्थान सरकार आज भी उस पर सोई हुई है पैसा देने की काबिलियत नहीं है और और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इनको प्रेशराइज क्रिएट करेगी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा जहां पे वाटर हमेशा रहती है एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने किसान ड्रोन की जो स्कीम निकाली है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ेगा मैम कृपा कर दो मिनट दे दीजिए मैडम प्लीज आपके मेरे को थोड़ा आपसे वो चिंता हो रही है कि आप मना करने वाले हैं मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंद्रह हजार करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है राजस्थान के अंदर चूरू जिला ये मौसम आधारित फसल बीमा योजना का बेहतरीन फायदा मेरी लोकसभा क्षेत्र को मिला है आज की तारीख में 2017 से पांच सालों के अंदर करीब करीब पचपन सौ करोड़ रुपए के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसान भाइयों को मिला पर मैम इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत सरकार के जिसने इसको कॉन्ट्रेक्ट दिया हुआ है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाहौर और भादरा मेरी बेहतरीन दो कॉन्स्टिट्य हैं मैक्सिमम किसान बड़ा जागरूक है बड़ा फायदा लेता है इस की योजना का और बीते हुए साल का इक्कीस बाईस का मैम साढ़े पांच सौ करोड़ का क्लेम इस ए आई सी कंपनी ने आज तक रिलीज नहीं किया किसान दर दर ठोकर खाने को मजबूर है और बीमा कंपनी को एक साल ऊपर हो चुका है जबकि टाइम पी पे पेमेंट न देने पर बारह परसेंट का ब्याज देने का प्रावधान भी लिखा हुआ है ऐसा ही मैम मैं फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए उनसे भी निवेदन करूंगा कि जिन बैंकों ने

सो हंड्रेड पी एम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाने की बात करी गई है हम आज की तारीख में नई नई ट्रेन की चलाने की बात करें पर मैं मेरा मानना है कि देश की पचहत्तर साल की आज़ादी के बावजूद भी हमारे ऐसे कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स हैं जो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ नहीं पाए हमारा सीकर अनोखा वाया बीदसर सर का एक बेहतरीन एक रूट है जिसकी डिमांड हमेशा करती गए और राजगढ़ से तारानगर तारानगर से सरदार का एक रूट के बारे में पब्लिक की डिमांड रही है मैम सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और तहसील हेडक्वार्टर्स हमारे रेल से जुड़े नहीं मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि प्रावधान रखा जाए कि कुछ वी वैबिटी फंडिंग करके इन बहुं स्टेशन्स बहुं। को आप जोड़ने का काम करें मैम अंत में इतना कहना मैंने बहुं, मैं आपसे यही है डिफेंस बजट बहुत बड़ा दिया गया है पर इस डिफेंस बजट के अंदर मैं पिछले दो साल से आर्मी की भर्ती नहीं हो रही हमारे युवा बड़े मेहनत कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर दो साल से भर्ती नहीं हुई है कृपा करके उस भर्ती के ऊपर भी फोकस किया जाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रीमती जी थैंक यू